ओके थैंक यू स्टार्ट। हेलो या एंड वेलकम एवरीवन। जितने भी यहाँ पे हाजिर आज के वेबिनार के लिए आप सबका मैं स्वागत करती हूँ ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। थोड़े इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी मैं आपको बिफोर द सेशन स्टार्ट्स। हम अपने माइक और कैमरा ऑफ रखेंगे ताकि डिस्टरबेंस कम हो एंड सेशन थोड़ा स्मूथली रन हो। ऑल्सो हम लास्ट तक रुकने की कोशिश करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी वजह ना आ जाए छोड़ने के लिए। हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। या तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। थोड़ा ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूंगी। हमारा ट्रस्ट एक एनजीओ है जो वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है। हम काफी सारे एरियाज में वर्क करते हैं जैसे कि एजुकेशन, अवेयरनेस एंड रिसर्च, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन और कम्युनिटी सर्विसेज। हाँ, हमारा ऑन गोइंग रेगुलर जो सेशन चल रहे हैं वो है गाइडेड रिलैक्सेशन, जो हम हफ्ते में 3 दिन लेते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड एनीवन कैन जॉइन। यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं है, देर आर नो बाउंड्रीज एंड नो कॉस्ट। आगे हम काफी सारे इवेंट्स भी करने वाले हैं जैसे कि ये नेक्स्ट संडे दैट इज 21 जुलाई को हम आर्ट और क्राफ्ट के सेशन कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें हम सिखाएंगे DIY बुकमार्क्स। एंड 31 जुलाई को हमारा दूसरा प्रोग्राम है ऑन सैटरडे ऑन टू मॉनसून मैजिक, हम टेरेस गार्डनिंग कैसे करें उसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फूड फॉर सोल। हम बॉडी के लिए तो बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं लेकिन सोल, आत्मा के लिए क्या करते हैं? तो जस्ट टू गिव द इनसाइट अबाउट इट, हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर पूर्वी पटेल। उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैं। डॉक्टर पूर्वी पटेल एक होम्योपैथी डॉक्टर है। ऑल्सो शी इज NLP प्रैक्टिसनर, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसनर है। उसके साथ साथ शी इज ऑल्सो बैच फ्लावर रेमेडी एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसनर। हाँ, एक और चीज पूर्वी मैम की ये है कि वो हमारे ऋतुजा NGO के एक ट्रस्टी है। आई वेलकम यू होल हार्टेडली पूर्वी मैम, द सेशन इज नाउ ओपन फॉर यू, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच जानवी। Janvi, switch on her slides. हाँ, just a minute, ma'am. Just front slide, Janvi. Yeah, just a second. Name of the topic. It is taking a while to open. Yeah, I will do. I'll just start the topic. It's okay. Yeah, it's okay. It's fine. Good evening. कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सबका इस सेशन में आज स्वागत करती हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सब आज जुड़े हैं मेरे साथ। तो आज हमारा टॉपिक है सोल फूड। सोल फूड यानि कि मन का आहार। जी हाँ, मन का आहार यानि हमारे विचार। एक रिसर्च में पाया गया है कि हम पूरे दिन में कम से कम 62,000, जी हाँ, 62,000 थॉट्स सोचते हैं। कई लोगों को तो ये शिकायत भी रहती है कि वो बिस्तर में जाने के बाद तुरंत ही सो नहीं सकते हैं क्योंकि उनका दिमाग सोचना बंद ही नहीं करता है। तो क्या है ये कैसे रहते हैं हमारे विचार? हमारे ये विचार या तो सकारात्मक होते हैं या तो नकारात्मक होते हैं। अब ये हम कैसे जाने कि ये हमारा विचार सकारात्मक है या नकारात्मक है? देखिए, उसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब आप खुश होते हो तब आप कैसा महसूस करते हो? अच्छा महसूस करते हो। और जब आप क्रोध में होते हो, गुस्सा होते हो, तब आपको कैसा महसूस होता है? आप बेचैनी महसूस करते हो, आपको कुछ ठीक नहीं लगता है, इरिटेशन लगता है। तो हमारी भावना ही, जो फीलिंग्स हमारी भावनाएं जो हमारे विचार के साथ जुड़ी होती है, वही हमें बता देती है कि हमने जो आहार खाया है अपने मन के लिए वह सकारात्मक है या नकारात्मक। तो सोल फूड यानी कि हमारे विचार जो पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, वो पूरे दिन भर में हम अपने मन को देते रहते हैं। और इसी सोल फूड के वजह से हम कोई भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं। एक बात याद रखिए, पूरी तरह से तंदुरुस्त रहने के लिए हमें स्वस्थ खाना भी चाहिए और हमारे मन को भी स्वास्थ्यदायी सोल फूड देना चाहिए। तो आइए पहले मैं शुरुआत करती हूँ पॉजिटिव सोल फूड से, यानी सकारात्मक सोल फूड। उसमें सबसे पहले है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, जानी, कैन यू मेक दिस फुल स्क्रीन?
इज इट पॉसिबल? पूर्वी आ पीडीएफ છે ને એટલે નહીં. અચ્છા ઓકે ઓકે ફાઇન નો પ્રોબ્લેમ. સો ગ્રેટિટ્યુડ યાને કૃતજ્ઞતા, આભાર વ્યક્ત કરના. ગ્રેટિટ્યુડ ઇઝ ધ બેસ્ટ એટિટ્યુડ, હમ સબકો માલુમ હૈ યે, યાને કૃતજ્ઞતા સબસે અચ્છા રવૈયા હૈ, યે સબસે જરૂરી સોલ ફૂડ હૈ. હમારે પાસ જો ભી ચીઝ હૈ હમારી જિંદગી મે ઉસકે લિયે હમકો હમેશા આભારી રહેના ચાહિયે. વી હેવ ટુ બી ગ્રેટફુલ ફોર ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ વી હેવ ઇન અવર લાઈફ. हमें हमेशा हमारे पास जो चीज़ है उसे देखना चाहिए, न कि उस चीज़ के लिए कंप्लेन करनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है. जब आप कृतज्ञता से भर जाते हैं तब आप इंस्टेंटली पॉजिटिव फील करते हैं. ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड को हम हमारे जीवन में एक सोल फूड को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ी आपको टिप्स देती हूँ. पहला, ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए. जी हाँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल यानी इसमें आपको सुबह उठ के 5 या 10 ऐसे थॉट्स लिखने हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के लिए सही में कृतज्ञ फील करते हो. क्योंकि ग्रेटिट्यूड अगर हमको देना है किसी को तो हमेशा फीलिंग के साथ देना होगा. सो ग्रेटिट्यूड देने से हम खुद को भी अच्छा महसूस करते हैं और सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराते हैं. सेकंड, जिंदगी में आने वाली हर एक परेशानी में आपको कृतज्ञता देखनी है, यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा भाव बनाए रखना है. यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी. एक बार एक राजा था, वो हमेशा अपने एक सलाहकार को अपने साथ रखता था. एक दिन राजा की उंगली कट गई. सलाहकार ने तुरंत बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है. राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने वो सलाहकार सीधा कालकोटरी में डाल दिया, जेल में डाल दिया. थोड़े दिनों में राजा जी शिकार पे चले गए और शिकार पे जाते जाते जंगल में बहुत ही दूर चले गए. वो वहां पहुंच गए जहां सिर्फ कबीलों का राज चलता था, यानी आदिवासी कबीलों का राज चलता था. उनमें से आदिवासी कबीलों ने राजा को पकड़ लिया और वो उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको तैयार कर रहे थे. तो उनका ध्यान गया उनकी कटी हुई उंगली के ऊपर. तुरंत ही कबीले के सरदार ने बोला, नहीं नहीं, ये हमारी बलि ये बलि देने के लायक नहीं है, ये संपूर्ण स्वस्थ आदमी नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए. राजा जी वहां से बचते बचाते हुए अपनी राजधानी पे पहुंच गए. राजधानी पहुंचते पहुंचे पहुंचते उनको लगा कि शायद उन्होंने गलत किया कि अपने सलाहकार को बिना किसी बात के ऐसे ही जेल में डाल दिया. उन्होंने तुरंत सलाहकार को जेल से छुड़वाया और उसके लिए उसको आभारी होते हुए कहा कि जो भी हुआ आज मेरी जान बची क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी उस दिन. सलाहकार ने फिर से बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है. राजा ने पूछा, अरे अच्छा तो मेरे साथ हुआ, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? सलाहकार ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी आप हमें हमेशा हमारे आपके साथ रखते हो, बराबर है, लेकिन अगर उस दिन अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो आज मैं आपके साथ जंगल में होता. और क्योंकि मैं तो संपूर्ण स्वस्थ हूँ तो बलि किसकी चढ़ती? मेरी बलि चढ़ जाती और मैं शायद आपके सामने नहीं खड़ा होता. तो इसीलिए मैं आज भगवान को बहुत ही बहुत दिल से आभारी हूँ कि उसने जो भी किया अच्छे के लिए किया. तो इस कहानी के माध्यम से आपको मालूम पड़ गया कि जीवन में कुछ भी, कोई भी परिस्थिति, गलत हो, सही हो, अच्छी हो, बुरी हो, आपको हमेशा अपने अंदर कृतज्ञता के भाव रखने हैं. ठीक है, जानी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो पॉजिटिव सोल फूड यानी कि हैप्पीनेस. यस, खुशी हम सबके अंदर होती है. अगर देखा जाए तो खुशी, उमंग और शांति यानी कि हैप्पीनेस, जॉय और पीसफुलनेस वो हमारे मूल स्वभाव है. लेकिन हम अपने इस मूल स्वभाव को भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और हम अपनी खुशी औरों में ढूंढते हैं और चीजों में ढूंढते हैं और इसकी वजह से हम बहुत दुखी हो जाते हैं. क्योंकि हम खुशी ऐसी व्यक्ति के पास मांगते हैं जैसे हमको चाहिए, राइट? कि हमें अगर किसी से खुशी चाहिए और वो इंसान हमें उस तरीके की खुशी नहीं देता जैसी हम चाहते हैं तो हम क्या होते हैं, हम अपने मन को दुख से भर देते हैं. तो हर एक इंसान के खुश रहने के मायने अलग होते हैं. कैसे? यहाँ पे मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ. जैसे कि एक भिखारी है, अगर उसको 2 दिन का, 2 टाइम का भोजन मिल गया और कहीं पे फुटपाथ पे छोटी सी जगह मिल गई सोने के लिए तो वो खुश हो जाएगा.
और वहीं पे एक करोड़पति इंसान जो बहुत पैसे कमाता है लेकिन उसको अपने परिवार से दूर रह के कमाने पड़ रहे हैं, तो वो खुश नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे भिखारी की खुशी किस में है? दो वक्त की रोटी और सोने के लिए कोई जगह मिल जाए उसमें। और जो करोड़पति इंसान है उसकी खुशी किस में? अपने परिवार के साथ रहने के लिए होते हैं। तो हम हर चीज में अच्छाई ही अच्छाई देखते हैं। हम खुद खुश भी रहते तो औरों को भी खुशियां ही बांटते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि आपको खुद के लिए सोचना है, थिंक व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भी खुश करती है और उससे आप दूसरों को भी खुश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारा तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉजिटिव सोलफुल सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना। ये बहुत 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 जरूरी सोलफुल है, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तो हम किसी और को प्यार दे ही नहीं सकते। आप सबको मालूम है, ये कहा गया है कि जो चीज हमारे अंदर होती है वही हम दूसरों में बांटते हैं। अगर मेरे अंदर प्यार है तो ही मैं किसी और को प्यार दे सकती हूँ, और अगर जो प्यार मैं बांटती हूँ वो 100 गुना होके मुझे फिर से मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि खुद को प्यार करना है फिर औरों को प्यार करना है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस यानी खुद से प्यार करना और खुद खुद गर्जी, ये दोनों चीज बहुत ही अलग है। इसमें बहुत अंतर है। कैसे? सेल्फ लव यानी खुद को प्यार करना करने वाले जो लोग रहते हैं वो खुद को तो प्यार करते हैं, खुद की भावनाओं का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ साथ में वो दूसरों की भावनाओं की भी कदर करते हैं, उनकी भावनाओं को भी ध्यान रखते हैं। जबकि खुद जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो दूसरों की भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, और हमेशा खुद को पसंद आने वाली चीजें ही करता रहता है। तो एक बात याद रखे, यू हैव टू बी सेल्फ लव्ड पर्सन, नॉट अ सेल्फिश पर्सन। अब हमारा एक्टिविटी का टाइम आ गया है। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि आप सबको अपने साथ एक आईना लेके आना है, छोटा सा आईना या मिरर लेके आना है। क्या आप सब लोग मिरर लेके आए हैं? यू कैन अनम्यूट। हाँ ओके फाइन, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो मच हैप्पी। ओके, तो अब आप वो आईने को अपने फेस के सामने आपको रखना है, और ये एक्टिविटी पे जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको नियम बता देती हूँ, रूल बता देती हूँ। पहला, आप सबको अनम्यूट रहना है। दूसरा, आईने को बराबर अपने फेस के सामने रखना है। तीसरा, मैं जो भी वाक्य बोलूंगी वो आपको मेरे बाद रिपीट करना है। अगर कहीं पे आप रुक जाएंगे तो मैं भी आपके साथ वो वाक्य बोलने लगूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मैं उसमें मैं मेरा नाम बोलूंगी तो आपको खुद का नाम बोलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना खुद का नाम बोलना है जहां पे मैं अपना नाम बोलती हूँ। ठीक है, तो सब सब लोग रेडी है? जी हाँ चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाए, आईने को अपने सामने रखिए। अब खुद को आईने में देखिए, आंखें बंद करिए, एक सांस छोड़िए। अपनी आंखों में देखना है, और आंखों में देखते देखते मैं जो भी बोल रही हूं, जो भी वाक्य बोल रही हूँ उसको मेरे बाद दोहराना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पूर्वी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हेलो,
आई कांट हियर एनी वन. पूर्वी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. मैं तुम्हें हेलो. पसंद करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड. आप डन. सब अनम्यूट हो जाइए. सब साथ में बोलिए अपने अपने नाम के साथ. ठीक है. आईने को अपने सामने रखिए और अपनी आंखों में देखिए. पूर्वी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. गुड. जैना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कुसुम मैं तुम्हें पूर्वी. पसंद करती हूँ। ओके. पूर्वी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ. जैना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। पूर्वी मैं तुम्हें सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता मैं हूँ. तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वेरी गुड. मैं जानती हूँ तुम सबसे अच्छा कर रही हो. मैं जानती हूँ तुम सबसे अच्छा कर रही हो। जानती हूँ मैं सबसे अच्छा कर रही हूँ। पूर्वी पूर्ण हो. तुम जैसी हो वैसे ही परिपूर्ण हो. तुम तुम जैसी जैसी हो हो वैसे ही वैसे ही परिपूर्ण परिपूर्ण हो. वैसे मैं ही अपने परिपूर्ण हो। हाँ जी अपने आप को वैसे ही प्यार करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जैसी मैं हूँ. मैं अपने आप को अपने आप को वैसे ही और प्यार प्यार करने करने और और स्वीकार स्वीकार करने के करने का लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ तैयार जैसी मैं हूँ. जैसी जी हाँ. पूर्वी मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ. पूर्वी मैं सच में तुमसे प्यार सच में करती तुमसे हूँ. प्यार करती हूँ। ठीक है. मैं सच में तो तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ तो ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है. अगर आप सबको ये सेंटेंस चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूंगी. इस सेंटेंस को आपको सुबह उठ के आईने में जब आप ब्रश करने जाते हो तब ले खुद से ये 5 बातें कीजिए और आपको 21 दिन तक लगातार ये करना है अगर सच में आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना है. तो आशा रखती हूँ कि आप ये 5 सेंटेंस को 21 दिन तक बोलेंगे आईने में देखकर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. प्लीज व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. हाँ जी हाँ जी. प्लीज अब सब अपने आप को म्यूट पे डाल दीजिए. म्यूट कर ली अनम्यूट कर हाँ अनम्यूट कर दिए सॉरी म्यूट कर दीजिए. अब हम अपना चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड फूड देखते हैं. ओके. सो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव सोल फूड है लाफिंग. लाफिंग यानी हंसना. हम सब जानते हैं कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन. हंसी 3 प्रकार की होती है. एक वो हंसी जो हम किसी और के जो बड़े ही निम्न कक्षा की हंसी होती है. जब हम खुद के ऊपर हंसते हैं तो ये हमारी उच्च कक्षा की हंसी रहती है. लेकिन जब हम परिस्थिति पे हंसते हैं यानी अच्छी बुरी कैसी भी परिस्थिति हो हम जब उस परिस्थिति पे समग्रता के साथ हंसते हैं पूरी समग्रता के साथ हंसते हैं तब वो हो जाती है हमारे लिए ब्रह्मांडीय हंसी. जी हाँ वो हो जाती है उच्च स्तरीय हंसी. तो याद रखना जीवन में हर छोटी मोटी बातों में हंसना सीखिए. हंसी हमारे मन को रिलैक्स करती है. हमारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाती है. हर सेल तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचाती है. हम तनाव तनाव में कमी महसूस करते हैं और उसकी वजह से हमें नींद भी अच्छी आती है. कोरोना काल से पहले आप सबने देखा होगा जो लोग भी मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे उनको तो मालूम ही होगा कि जब हम गार्डन में जाते हैं तो बहुत सारे बड़े बूढ़े जवान बच्चे भी सर्कल में खड़े होकर जोर जोर से हंसते हैं. क्यों वो हंसते हैं? क्योंकि खुले बागीचों में उस टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही रहती है. इतना जोर से हंसने से वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में हर एक सेल तक जाती है और उसकी वजह से हमारा हर सेल ताजगी महसूस करता है और हमारा भी पूरा दिन ताजगी भरा जाता है. तो ये बात याद रखना कि अपनी हंसी से कभी भी हंसना भूलना मत. लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन.
जानवी चेंज द स्लाइड। अब हम देखते हैं हमारा पांचवा सोल फूड, इसके बोलते हैं बी माइंडफुल। बी माइंडफुल यानी सचेत रहना। जी हाँ, हम लोग हमेशा या तो बीते हुए कल में रहते हैं या तो आने वाले कल के लिए सोचते रहते हैं, कभी भी हम इस मोमेंट में नहीं रहते हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तब हम में से कई लोग कल जो बीत गया उसके बारे में कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड में सोचते रहोगे, या आज कल संडे है, कल हमारे घर मेहमान आने वाले है, या आज शाम को खाने में ये किया है, कैसा होगा, केक होगा, वो होगा, वही सोचने में लगे होगे। लेकिन यहाँ पे इस प्रेजेंट मोमेंट में जब मैं बोल रही हूँ, जीवन के लिए जीवन में जरूरी कोई चीज बता रही हूँ, उस पर अगर आपका ध्यान नहीं गया तो आप कितनी अच्छी अच्छी बातें मिस कर जाएंगे, ये सोचिए। तो जब जब हम मानसिक समय में रहते हैं तब उसे हम बोलते हैं सजग नहीं रहना। ठीक है, तो हम लोग सजग कैसे रहे? सजग होना यानी ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया और आप कल से या इसी क्षण से सजग होना शुरू कर देंगे, नहीं। क्योंकि हम सालों से हम लोग भूतकाल और भविष्यकाल में जी रहे हैं। अब हमें मालूम हुआ है कि हमें माइंडफुल रहना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो उसके लिए कुछ तरीका तो मुझे बताना पड़ेगा ना आप सबको। तो उसके लिए मैं पांच चीजें आपको बतानी हूँ जो रोजाना आपको सिर्फ आपके लिए 5 मिनट निकाल के करनी है। आशा रखती हूँ कि आपके लिए खुद के लिए 5 मिनट तो होगा ही। तो वो क्या चीजें हैं? आपको 5 मिनट एक जगह पे शांति से पहले तो बैठ जाना है, फिर एक कागज और पेन लेके बैठना है आपको। ठीक है, पहले आपको अपनी आंखों से सचेत होना है। आंखों से सचेत होना किसको बोलते हैं? उस टाइम पे जहाँ पे आप बैठे हैं वहां आपके इर्द गिर्द क्या क्या दिख रहा है आपको। जैसे अगर आप बेडरूम में बैठे हैं तो पर्दा, लैपटॉप, मोबाइल, बुक्स, यू नो, ऐसी सब चीजों को नोटिस कीजिए और उसको लिखिए कि आंख से सचेत होने वाली चीजें इतनी इतनी है, 5, 10, 15, जो भी आपको लिखनी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको त्वचा से सतेज होना है। त्वचा से सतेज होना है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे मेरे बाल है वो मेरे स्किन को टच कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे बाल बालों से मैं सतेज हूँ। मेरे कपड़े मुझे मेरी चमड़ी को टच करे, मेरे कपड़ों से मैं सतेज हूँ। मेरे हाथ की उंगलियों में अंगूठी है, वो अंगूठी मुझे मेरी स्किन को टच कर रही है, तो मैं मेरी अंगूठी की वजह से स्किन पे सतेज हूँ। तो उस हिसाब से आपको प्रेजेंट रहना है कि आपके बॉडी को क्या क्या चीज टच कर रही है। ठीक है, तो वैसी 5 या 10 चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको कान से सतेज होना है। कान से सतेज होना क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे, उस दौरान आप जहाँ पे बैठे हो आपको कौन कौन सी आवाज सुनाई देती है, उस टाइम पे आपको सिर्फ कान से सुनने के ऊपर ही ध्यान देना है और कोई विचार नहीं करता है। हो सकता है आपको ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे, आपको नल में से पानी आने की आवाज सुनाई दे, अगर किचन में खाना पक रहा है तो कुकर की विसल की आवाज सुनाई दे, पंछियों की किलकिलाहट सुनाई दे, कुछ भी, जो भी, जैसा भी सुनाई दे आपको उसके बारे में उसका सिर्फ नाम लिखना है। तो ये हो गया अपने कान से सतेज होना। अब आपको अपनी भावनाओं से सतेज होना है। कैसे? तो जिस टाइम पे आप बैठे हैं और उस टाइम पे आपके अंदर जो जो अलग भावनाएं चल रही है, जो जो अलग फीलिंग्स चल रही है, उसको नोटिस करना है कि आप शांत हो, आप खुश हो, आप गुस्से में हो, आप जो भी महसूस, आप गुस्सा महसूस करते हो, जो भी भावना आपके उस टाइम पे आपके माइंड में चल रही है, आपके दिल और दिमाग में चल रही है, उसको आपको सिर्फ लिखना है। उसमें आपको बह नहीं जाना है, वो भावना में बह नहीं जाना है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व वॉट यू आर फीलिंग इन साइड योर बॉडी। ओके, और बहुत ही एक लाखरी पांचवा पॉइंट है कि आपको हर एक काम में एक या दो दो घंटे पे पॉज लेना है। जी हाँ, पॉज लेने का मतलब कि मैं कोई काम लगातार कर रही हूँ 1-2 घंटे से और मेरा दिमाग कहीं और है, मेरे हाथ कहीं और है और मेरा ध्यान कहीं और है, उस टाइम पे आपको पटाक से अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है और वो 5 सेकंड के लिए आपको अपनी सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सिर्फ पांच सेकंड। मुझे पता है ये बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मैंने भी ये स्टार्ट किया है, 1-2 दिन अच्छा गया, फिर वापस जैसे थी वैसे हो गया, मैंने वापस से स्टार्ट किया एंड आई एम गेटिंग दैट रिजल्ट।
उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आपको सांस अंदर और बाहर ऐसे 5 बार छोड़ने हैं। इसको आप, मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ जैसे बहुत आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, राइट, और अचानक ट्रैफिक सिग्नल आ गया, वहां पे रेड लाइट है, तो आप क्या करोगे? स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है? तो वैसे ही आपके मन में चल रहे बहुत सारे जो विचार है उनको स्टॉप करके पॉज लेना है, ठीक है? तो इस 5 तरीकों से अगर आप चाहेंगे तो ये 5ों तरीकों में वापस व्हाट्सएप ग्रुप में भी, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान रखिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी चाहिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के दूंगी आपको, आप शांति बनाए रखिए, लिखने की घाई मत कीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तब आप मेरे बोलने पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट बातों को मिस कर जाएंगे, ठीक है? जानी, अब हमारा छठा और आखिरी पॉजिटिव सोल फूड, अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा। प्रशंसा किसको नहीं पसंद होती है? हम सबको पसंद होती है। अगर कोई हमें हमारी प्रशंसा, हमारी सराहना करता है तो कैसा अच्छा महसूस होता है। वैसे ही हमें भी औरों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है, आपके कलीग ने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, आपके हस्बैंड ने कुछ अच्छी अच्छी जॉब में कुछ इंक्रीमेंट मिला है, यू हैव टू गिव अप्रिसिएशन टू ईच एंड एवरीवन। क्योंकि अप्रिसिएशन एक ऐसा सोल फूड है जो देने वाला है उसको भी अच्छा महसूस कराता है, और जिसके लिए, जिसको आप अप्रिशिएट करते हो उसको भी अच्छा महसूस कराता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, आप किसी का भी प्रशंसा करें, आपको उसकी प्रशंसा करनी है, ऊपर ऊपर से नहीं करनी है। जब आप किसी की दिल से प्रशंसा करते हैं तब आपको भी सामने से कोई अच्छा काम करने पे प्रशंसा मिलती है। तो हमेशा बी अप्रिशिएटिव, हमेशा किसी के अच्छे कामों की सराहना कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे ये सकारात्मक पॉजिटिव सोल फूड मैं खत्म करती हूँ, पूरे करती हूँ, और अब हम चलते हैं नकारात्मक आहार की ओर। तो जानवी जी, प्लीज चेंज द स्लाइड। तो नेगेटिव सोल फूड में सबसे पहला मैंने लिया है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर यकीन न करना, यानी कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमें खुद पर यकीन नहीं होता है तो हम किसी की बात, किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। और जब हमें खुद पर यकीन न करने वाला, हम ये जब नेगेटिव सोल फूड हमारे मन में डाल देते हैं तब हम किसी भी इंसान को, किसी भी परिस्थिति को, इवन अपने भाग्य को भी कोसना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको ये सेल्फ डाउट नाम के नकारात्मक सोल फूड से बचना है तो अपने आप को सेल्फ लव के सकारात्मक आहार से भर देना पड़ेगा। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना पड़ेगा। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज अगर आपने शुरू की है और आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है तो कभी भी मायूस मत होइए। हमेशा उस चीज की क्यों असफलता मिले उसको इवैल्यूएट कीजिए, उसको देखिए कि क्यों ऐसा हुआ, कौन से स्टेप पे मैंने मिस्टेक की ताकि इस चीज को मैं सफलता से पूरी नहीं कर पाया। और सबसे अच्छी बात तो यही बोलूंगी कि अगर आपको सेल्फ डाउट का नेगेटिव सोल फूड हटाना है तो आपको सेल्फ लव का पॉजिटिव सोल फूड अपने मन को देना पड़ेगा। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ट्राई ट्राई एंड ट्राई बट डू नॉट क्राई। हमेशा ट्राई करते रहिए पर कभी भी रोइए मत, ठीक है? और अपनी काबिलियत पे हमेशा भरोसा रखिए। नेक्स्ट स्लाइड, तनाव। ये तो सुनते ही तनाव हो गया मानो जैसे क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज है जो हम सब उससे बचना चाहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि तनाव अगर हम उसको मैनेज कर सके, यानी स्ट्रेस को अगर हमने मैनेज कर लिया तो हो हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। मैं 2 उदाहरण देती हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आए। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी अगर समझ लीजिए मैं किसी रेस में हिस्सा ले रही हूँ और मुझे उसमें फर्स्ट आना है तो मुझे वो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस स्ट्रेस से जुस्सा भरना पड़ेगा अपने अंदर फर्स्ट आने के लिए। या तो अगर
किसी गोल को मुझे पाना है, तो अगर मुझ में वो जुस्सा नहीं रहेगा, वो तनाव नहीं होगा उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए वो गोल को अचीव करने के लिए जो जो काम करना पड़ता है मुझे, उसके लिए तनाव से गुजरना ही पड़ेगा, इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस, और उसको मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। तो ऐसे दो एक्सपीरियंसेस में तनाव हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लेकिन जब ये तनाव चिंता में परिवर्तित हो जाता है, प्रॉब्लम में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हो जाता है नेगेटिव सोल फूड। हम सब हमेशा, जैसे मैंने आपको सतेज रहने वाले पॉजिटिव सोल फूड में बताया था, आने वाले भविष्य के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो इसके साथ भी लिंक्ड अप है। हम हमेशा फ्यूचर के चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, बड़े बूढ़ों के हेल्थ की चिंता करते हैं, खुद की हेल्थ की चिंता करते हैं, फाइनेंशियल चिंता करते हैं, सब करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस चिंता में बदल के वो एक हमारे लिए नेगेटिव सोल फूड का काम करता कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एक स्लाइड दी है, उसमें उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ। से तनाव तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढने से ही आ जाता है, बराबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपका जवाब नहीं है तो मेरा, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो चिंता का है कि, अगर आपने बोला कि हाँ भाई प्रॉब्लम तो है, तो मैं आपको पूछूंगी, अगर जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन है आपके पास। अभी इसके भी दो आंसर रहेंगे, आप बोलेंगे हाँ भाई सॉल्यूशन तो है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो फिर चिंता क्यों करते हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो भी क्यों आप चिंता करते हैं, क्या चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के आपके बेडरूम में डेस्क पे लगा दीजिए, ताकि जब भी आपको तनाव महसूस हो तुरंत जाके ये स्लाइड देख लेना और याद रख लेना कि जिस प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है तो मुझे काहे की फिक्र, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो मुझे काहे की फिक्र। तो आपको कैसी भी नापसंद परिस्थिति में शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि ये जो नापसंद परिस्थिति है ना वो बदलती रहती है। आज किसी और चीज से हम परेशान हैं, कल कोई और चीज आ जाएगी, तो ये नापसंद परिस्थिति तो हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन आपका जीवन आपके साथ हमेशा रहेगा, यानी आपका मन और शरीर वो रोज आपके साथ रहने वाले हैं। तो आपको उसका ध्यान पहले देना है, ना तो आपका फोकस प्रॉब्लम पे देना है, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि आवर एनर्जी गोज वेयर वी फोकस आवर सेल्फ, यानी आप जिस किसी चीज के ऊपर फोकस करोगे आपकी एनर्जी वहां ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जानवी, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमारा तीसरा नेगेटिव सोल फूड है गुस्सा, एंगर। जी हाँ, यहाँ पे मैंने एक कोट लिया है बुद्धा जी का, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक अ ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ throwing it at someone else, you are the one getting burned. इसका क्या मतलब है? गुस्सा एक ऐसा सिलकता हुआ कोयला है जिसको आप उठाते हो किसी और के ऊपर फेंकने के लिए, लेकिन जब आप उठाते हो तब उसी टाइम के पहले तो आपके ही हाथ जल जाते हैं, ठीक है। और ये सही बात है, क्योंकि आपको भी ये मालूम होगा कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम पहले खुद को तकलीफ देते हैं, बाद में वो गुस्से की वजह से किसी और को जो तकलीफ होनी होती है वो होती है। वो कैसे, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने के बाद हमारी सांस फूल जाती है, हमें घबराहट महसूस होती है, हेडेक भी होता है कई लोगों को। तो ये सब क्या है, आपने खुद को दी हुई तकलीफ है कि नहीं। तो जब आप गुस्से से अपने आप को भर देते हैं तो आप कोई भी काम में ध्यान नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप गुस्सा करना छोड़ दें या गुस्सा बुरी बात है, हर फीलिंग की तरह गुस्सा भी एक फीलिंग है, ठीक है, लेकिन आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। जी हाँ, आपको गुस्से को मैनेज कर,
पाएंगे। गुस्से को मैनेज करने के लिए आपको माइंडफुलनेस का पॉजिटिव सोल फूड अपने मन को हर रोज करना पड़ेगा। जो मैंने आपको 5 प्रैक्टिस करने के लिए बोला था 5 मिनट के लिए, तो आप अगर हर रोज करेंगे तो आप अपने गुस्से को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जानी, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप कैसे अपने गुस्से को मैनेज कर सकेंगे। आपको हमेशा रखनी है कार माने ऑडी मर्सिडीज नहीं, कार माने CAR, जिसमें सी का मतलब है जब आप कोई भी ऐसी परिस्थिति में सजग है तो ही आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, ये बात मैं पहले बता देती हूँ, कोई भी ऐसी परिस्थिति मान लो आ गई, वो परिस्थिति में आपको गुस्सा आ गया या आप गुस्से होने वाले हो, तो अगर आप सजग है, माइंडफुल है, तो ही आप इसको, इस कार को यूज कर पाएंगे। आप ये समझ लो, इस कार को चलाने वाला पेट्रोल क्या है? सजगता, माइंडफुल, टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है? सी, चेंज द सिचुएशन, वो परिस्थिति को पहले तो बदलने की कोशिश कीजिए। आप नहीं बदल सके, कोई बात नहीं, ए पे एक्सेप्ट द सिचुएशन, उस परिस्थिति को, वो परिस्थिति जैसी भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए, यानी जैसी भी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, चुप रहिए और शांत रहिए। वो भी नहीं कर पाए आप, तो फिर आपको आर पे जाना पड़ेगा, उसका मतलब है रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, यानी आपको खुद को वो सिचुएशन से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका गुस्सा धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने आज सिखाया और आप कल से करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपने अगर इसको मैनेज करने के लिए सेल्फ लव, बीइंग प्रेजेंट यानी बीइंग माइंडफुल, और कंपैशनेट यानी दयालु, दयालुपन का अगर पॉजिटिव सोल फूड अपने मन को निरंतर रोज दिया, तो आपका गुस्सा तो छू मंतर होने वाला है। ठीक है, अरे चौथे सोल फूड पे, जिसका नाम है बीइंग जजमेंटल। बीइंग जजमेंटल का मतलब क्या है? निर्णयात्मक होना, यानी हम किसी वस्तु या परिस्थिति को जज कर लेते हैं, ये परिस्थिति बुरी है, ये इंसान सही है, व्यक्तित्व बनता है, हमारे मन को बहुत सारे अनुभव होते हैं। जानवी, Am I audible now? Hello? Yeah, yeah, ma'am. Yeah, please continue. Yeah, I lost the connection. There is some... I thought so. I swear. Yeah, yeah. Okay, so main bata rahi thi aapko. Janvi, fourth slide. Yeah, this one. Being judgmental, yeah. So, nirnayatmakta, hum kyu judgmental ho jate hai? Kyunki हम हमारे मन को बचपन से ही बहुत सारे अनुभव देते हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम धारणाएं बनाते हैं और उन्हीं धारणाओं के आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है। अब क्या होता है, जब हम अनुभवों के साथ भावनात्मक तौर से जुड़ जाते हैं, तब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए निर्णयात्मक हो जाते हैं, यानी जजमेंटल हो जाते हैं, और हम उस व्यक्ति
या वस्तु को अच्छा, बुरा, सही, गलत ऐसा मानने लगते हैं। तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति सही या गलत, अच्छा या बुरा नहीं होते हैं। आप जो धारणा करते हैं उसके वजह से वो आपको अच्छा, बुरा, सही या गलत लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति जैसी है आपको उसको ऐसे ही स्वीकार करना है, न कि आप जैसा चाहते हो वो हो, ठीक है। और उसके लिए आपको आपके मन को सकारात्मक आहार से भरना होगा। नेक्स्ट स्लाइड चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन, जी हाँ, यानी काम को टालना, ये बड़ा ही नेगेटिव सोल, ऐसा सोल फूड है जो आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता है। जब किए जाने वाले कामों को बार बार बाद में करने के लिए टाला जाता है, तब उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि कामों को टालना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है, जो काम आप आज कर सकते हो उसे कल पे टालने की भूल कभी मत करना। देखिए, अगर आपने कोई काम कर लिया है, आज का कोई काम कर लिया है, तो आप आत्मविश्वास से और संतोष से भर जाते हैं। लेकिन अगर आप आज का काम कल करेंगे तो कल का काम कब करेंगे फिर? ये बात सोचने वाली है कि नहीं? जब हम आज का काम कल करते हैं, तब हम बहुत सारे नकारात्मक विचारों से अपने आप को भर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, क्योंकि हर एक काम का एक समय रहता है। अगर आपने समय रहते वो काम नहीं लिया तो फिर आपको जिंदगी में कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। जैसे मेरे इस स्लाइड में लिखा है, डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसा नेगेटिव सोल फूड है जो आपको और एक सोल फूड भी देता है उसके साथ, वो क्या है? आलसीपन। आलसीपन, जी हाँ, आप अगर आलस रखेंगे तो आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्रोक्रास्टिनेशन तो ऐसी चीज है, वो आजकल में तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक टिप देती हूँ। प्रसिद्ध लेखक मेल रॉबिन्स ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय दिया है। वो क्या है? उसको बोलते हैं 5 सेकंड रूल। कभी भी आपको किसी कोई काम समझिए आपको करना है और वो काम करने के लिए आपको आलस आ रही है, तो आप अपने दिमाग को बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, लेट्स डू इट नाउ। ठीक है, देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि हमारा दिल तो बच्चा है, उल्लू बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको लगातार ये रिपीट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, लेट्स डू इट नाउ। तो उस हिसाब से आप अपने आप को बोलते जाएंगे तो आपका दिमाग भी समझ जाएगा कि भाई आलस नहीं करनी है, ये काम अभी करना है और मैं ये काम अभी करूँगा। दूसरा प्रोक्रास्टिनेशन दूर करने का एक अच्छा उपाय ये है कि आप अगले ही दिन रात को दूसरे दिन करने वाले कामों की एक लिस्ट बना दीजिए और उस हिसाब से आपके टाइम को मैनेज कीजिए। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए भी होता है कि आप अपना टाइम है ना मैनेज नहीं कर पाते हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही जरूरी चीज है प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए। तो आशा रखती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में 5 सेकंड रूल जरूर फॉलो करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए। अब हमारा आखिरी सोल फूड है निंदा, यानी क्रिटिसिज्म। निंदा एक दोधारी तलवार जैसा सोल फूड है। कैसे? देखिए, अगर किसी ने कोई काम किया है और हमें लगता है कि भाई ये काम अगर ये इंसान इस हिसाब से करता तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाता, और हम क्या करते हैं उसका बात सुनते हैं, तो हम ये सोचने लगते हैं अरे इसने मेरी निंदा करी। लेकिन अगर आपने उस आदमी ने जो भी आपको बोला है उसके बारे में गौर से देखेंगे और अपने काम का इवोल्यूशन करेंगे, और उसमें आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ यहाँ पे अगर मैंने ये काम ठीक किया होता तो शायद मैं ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाता, तो उसे अच्छी वाली निंदा बोलते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है, टेक क्रिटिसिज्म सीरियसली बट नॉट पर्सनली। इफ देयर इज अ ट्रूथ और मेरिट इन द क्रिटिसिज्म, ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, उसमें से आप सीख लीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे से किया है, सब अच्छा है, तो लेट इट रोल राइट ऑफ यू, आप अपने कानों तक वो निंदा को पहुंच ही न दें। और निंदा एक नेगेटिव सोल फूड भी है। वो कैसे?
निंदा जब हम किसी की करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो हम सामने वाले के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। ये जान लीजिए कि निंदा करने वाला होता है वो खुद एक निर्णयात्मक सोच का मारा हुआ होता है, यानी जजमेंटल होता है, जो हमारा एक नेगेटिव सोल फूडी है। तो जब हम किसी को नीचा दिखाने के लिए निंदा करते हैं, तो हम उस इंसान का न तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, प्लस उस इंसान को वो काम फिर से करने का जो जज्बा रहता है उसको भी तोड़ देते हैं। एक और भी चीज है, हम किसी की पीठ के पीछे निंदा करते हैं और उसके फेस के ऊपर उसकी प्रशंसा करेंगे, तो ये स्वभाव बहुत ही नकारात्मकता दर्शाता है। तो अब निंदा से कैसे बचें? इसके लिए बहुत बहुत यानी बहुत ही इजी इजी चीज मैं आपको बताती हूँ। स्वयं को सुधारने में इतने मशरूफ हो जाइए, स्वयं को सुधारने में आप इतने मशरूफ हो जाइए कि किसी और के बारे में निंदा करने का आपके पास समय ही ना बचे। जी हाँ, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना में इतने लग जाए कि आपके पास समय ही ना रहे किसी की ना निंदा सुनने का और किसी की निंदा करने का। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव सोल फूड के अपना जो टॉपिक है उसको ख़त्म करती हूँ, लेकिन मेरे पास और एक लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने पॉजिटिव सोल फूड के कुछ अफर्मेशन लिख के रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर चाहे तो मैं आपको व्हाट्सएप में भी ये 10 पॉजिटिव सोल फूड लिख दूंगी। इससे आपको हर रोज सुबह में पूरी भावना के साथ, पूरी फीलिंग के साथ 21 दिन तक बोलना है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम हारमोनियस, आई एम जॉयफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल। तो अगर आपने 21 दिन तक लगातार किया, तो मैं 100% बोलती हूँ कि आपके आपके मन में, आपके अंदर 100% एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, लास्ट स्लाइड जानवी। तो यहाँ पे मेरा सेशन तो खत्म होता है, लेकिन हमारी एक्टिविटी बाकी है, मुझे याद है। तो हमारी ये लास्ट एक्टिविटी है, जैसे मैंने आप सबको बोला है कि आप सबको एक एक ऐसी चीज लेके आनी है जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो। आप सब लोग अपने को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप सब वो चीज लेके आए हैं। हाँ, जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे ये सेशन की लास्ट एक्टिविटी। इसके लिए आपको आरामदायक पोजीशन में बैठना है, खुद को एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए और वो चीज को अपने हाथों में रखें। अगर बड़ी है तो अपने सामने रखें। अब उस चीज को हाथ में लेके आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी आंखों को बंद करके अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखें और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। यू हैव टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांसों को छोड़िए। आपको अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखना है। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उसे आने दें, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, आप बाहर छोड़िए। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, जस्ट रिलैक्स। सिर्फ अपनी सांसों के आवन जावन के ऊपर ध्यान दें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपको इमेजिन करना है
आपके आँख आपके घर के अपने सबसे पसंदीदा कोने में बैठे हैं। और उस कोने में आपको बहुत ही सुकून मिल रहा है। यू फील वेरी पीसफुल इन दैट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। आपके साथ अपना ये ट्रेजर है जो आपके दिल के बहुत करीब है। अब इस ट्रेजर के साथ जुड़ी हुई अच्छी यादों को याद करें। आप कितने खुश हैं उस दिन जब आपको ये चीज मिली थी। आपका मन उत्साह से भर गया था। अपने आप को आपने पूरे ब्रह्मांड का सबसे खुश नसीब इंसान माना था। विजुअलाइज दिस थिंग। वो खुशी महसूस करें। अगर आंखों से खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं तो आने दे। अगर आपके होठ मुस्कुराना चाहते हैं तो उसे खुल के मुस्कुराने दे। बस उस क्षण को जीवित कीजिए जब आप इस चीज को पाने के बाद बहुत ही खुश थे, बहुत बहुत खुश थे। बी विथ दिस मोमेंट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जस्ट बी विथ योर ट्रेजर। जस्ट रिमेंबर हाउ मच यू आर हैप्पी। जस्ट रिमेंबर बी इन दैट मोमेंट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। खुद को आप इस प्रेजेंट मोमेंट में पाइए, इस वेबिनार में पाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। प्लीज ओपन योर आईज। प्लीज अनम्यूट करके बताइए आप सबको कैसा महसूस हो रहा है। एक 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 करके बताइए। हेलो, प्लीज ओपन योर आईज। प्लीज ओपन योर आईज। हेलो। हेलो, हाँ जी, प्लीज ओपन योर आईज। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी आपका जिंदगी नाम? में गुणवंत आपका नाम सर? शाह, ओके, बोलिए सर, गुणवंत शाह। बोलिए तो गुणवंत जी। मेरे जिंदगी में अभी तो आई एम 76 एंड माय वाइफ इज 73 वेरी गुड। और 3 बच्चे हमारे जिंदगी में आए, उनका अच्छा, फोटो लेके बैठा था बहुत और बस वही बढ़िया। आपने कही वो यादें
बहुत ही अच्छी तरह से हमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपका ये जो पूरा सेशन था, इट वॉज सो सो मच, मन को इतना आनंद से भर दिया कि हमारी आगे हमें ऐसा महसूस होता है कि फ्यूचर की लाइफ में हमें कुछ अच्छा अच्छी तरह से, मतलब बाकी बीते हुए दिन है वो अच्छी तरह से गुजारेंगे। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। See, इसे बोलते हैं ना ट्रेजर मेडिटेशन बोलते हैं, और ये आप कभी भी कर सकते हैं जब आप मन से बहुत दुखी हो और आपके मन में सब कुछ बुरा ही चल रहा हो और आपको ऐसा लगे कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ से सॉल्यूशन ढूंढू, कहाँ से रास्ता ढूंढू। तब आप आपके घर के एक अच्छे से, सबके घर में एक ऐसा कोना होता है खुद को जो बहुत पसंद रहता है, आप वहां पे सिर्फ 5 मिनट के लिए जाके बैठ जाइए और अपनी ये जो भी ट्रेजर है उसको अपने हाथ में लेके बस उसको निहारिए और उससे जुड़ी हुई यादों को याद कीजिए। दैट्स इट, 5 मिनट में तो आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ गए होंगे और आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत इजीली मिल जाएगा। हाँ जी, किसी और को शेयर करने है अपने एक्सपीरियंस? ओके, आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट कि अगर कुछ लोग जो अनकंफर्टेबल है, जो अनम्यूट करके बोलना नहीं चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस व्हाट्सएप ग्रुप में या चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो मैं देख सकती हूँ। चैट का ये प्रॉब्लम है कि वो मीट खत्म होते ही वो चैट निकल जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज राइट इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बिफोर यू लीव द ग्रुप। Janvi, can you stop sharing screen? Yeah. किसी को कुछ पूछना है? हेलो, if not to फिर we will quickly wind up because it's already 7. definitely एक group photo लेना है, so I would request everyone, all of the participants, कि आप अपना camera on करिए ताकि हम एक final virtual photo ले ले as a memory. I request everyone. Okay, I'm taking the picture. Smile. It's done. Thank you, Janvi. Yeah. Thank you, Purvi ma'am. Thank you so much. Thank you. We're planning more कि आगे जाके session करें आपके साथ वापस. Just a small announcement. If like आप लोगों को हमारे वेबिनार्स पसंद आए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ऋतुजा अपडेट का एक लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें आपको हमारे अलग अलग कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो जिन लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है वो लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, तो उससे आपको आगे के प्रोग्राम्स की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। Okay, so here we wind up the session. Thank you everyone, जितने भी आज present थे उनको भी, and Purvi ma'am, thank you. Thank you, Janvi. Thank you, Nehal. Thank you very much. Thank you all. Thank you.